तैयार रहना, आप सभी के लिए विशेष ऑफर है, विशेष त्योहार होगा आप सभी के लिए। जितने भी रसगुल्ले मुझे सुन रहे हैं, आज शाम को 9 बजे तैयार रहना, धमाका होगा 9 बजे, और केवल आप सभी के प्यार की बदौलत वो होने वाला है। सर थोड़ा बहुत बताना है क्या? देखिए, एक तो सभी बच्चे, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, दो बातें बता दूं। इन लाइब्रेरी के अंदर चयन कैसा हुआ, तो लाइब्रेरी में चयन के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और उस प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई। वापस प्रक्रिया जो शुरू होगी तो आपको सूचना दी जाएगी, पहली बात। दूसरा, जो हमने जो 500 वैकेंसी निकाली थी उत्कर्ष में कॉल सेंटर स्टाफ की, उसमें 77,000 लोगों ने एक फॉर्म भरा था, 77,000 लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो उसमें से फॉर्म छटनी करके जो अधिकतम क्वालिफिकेशन है, अधिकतम घंटे हैं दे सकते हैं, फिर उनके इंटरव्यू हुए करीब 5,000 लोगों के, उसमें से हमने 500 की जगह 535 लोग रख लिए हैं। उनसे भी मैं रूबरू आप सभी से करवाऊंगा, क्योंकि काफी बच्चे अलग अलग जगह पे पोस्ट करके कमेंट कर रहे थे कि सर मैं जरूरतमंद हूँ, ये हूँ। तो सभी को कह देता हूँ, बात कड़वी है, नौकरी कभी भी जरूरतमंद को नहीं मिलेगी, नौकरी उसको मिलेगी जिसमें कैलिबर है, नौकरी उसको मिलेगी जो मेहनती है, नौकरी उसको मिलेगी जो कोई प्रतियोगी परीक्षा अच्छे से पास करेगा। आप में से भी कई लोग जरूरतमंद होंगे, कोई अनाथ होगा, कोई लेके विधवा बहन होगी, कोई लेके बहुत गरीब होगा, तो इसी आधार पे उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी। नौकरी उसके आधार पे उसको कोई दूसरी कोई दान दक्षिणा कोई सेवा तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरी तो उसी को मिलने वाली होगी जो अपनी पूरे दमखम के साथ में उसमें काम करते हुए वहां पर जो नौकरी के लिए जितने भी पात्रता की शर्तें हैं वो पूरी करेगा और प्रतियोगी परीक्षा पास करेगा। इसलिए आज के दिन सभी को मैं कहना चाहूंगा, बेचारा मत बनिए, मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए, मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, दुनिया की कोई ताकत जो है फिर आपको पास होने से नहीं रोक सकती। तो आप सभी जो है मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। हमने उत्कर्ष के माध्यम से, मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में उत्कर्ष में 1300 से अधिक हमारा स्टाफ हो चुका है, 1300 से अधिक। तो ये अपने आप में कोई संस्थान